नेपाल की तराई क्षेत्र में हो रहे लगातार भारी वर्षा के बाद जो है सभी नदियां अपने उफान से जो है ऊपर बढ़ रही है। ऐसा ही बिहार के अररिया जिले के परमान नदी में जो है देखने को मिला, जहां परमान नदी जो है विकराल रूप जो है ले चुकी है। परमान नदी का मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये परमान नदी जो है पूरा जो है ये दीपोल पंचायत को जो है पूरा जो अपने आक्रोश में ले लिया। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो ये रिंग बांध है, जो बांध है, बांध पे किस तरह से जो यहाँ पे जो है कटान हो रहे हैं, और यहाँ के लोग जो है काफी जो है ये है, यहाँ पे लोग काफी देख रहे हैं कि ये परमान नदी का जो ये जो दीपोल परमान का जो है ये जगह है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे परमान नदी का पानी जो यहाँ कटान के रूप में जो यहाँ पे जो इतना बड़ा सुरंग बना दिए हैं, और ये पानी जो है सीधे नदी से निकल के जो है वो फॉर्मेशन विधानसभा क्षेत्र और भी कई ऐसे पंचायत है, मतलब कुल मिला के 12 से 13 पंचायतों को जो है ये पानी जो है अगर यहाँ अगर ये टूट जाता है, टूट जाने के बाद यहाँ से ये पानी जो है कई पंचायतों को जो है अपने आक्रोश में लेंगे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या मतलब देख रहे कि यहाँ कटान हो रहा है पूरा, ये इस तरह का है तटबंध जो है, तटबंध कई जगह बड़े बड़ा गड्ढा हो चुका है। किसी भी टाइम जो है पानी का ज़्यादा जल वृद्धि बढ़ा तो किसी भी वक्त जो है तटबंध जो टूट जाएगी और यहाँ के स्थानीय लोग जो है डूब सकता है, पूरे फारबिसगंज डूब जाएगा। कई दफ़ा हम लोग जो है उच्च पदाधिकारी को आवेदन दिए, लिखित में विधायक डीएम को लिखित में दिए हैं, एमपी साहब को दिए हैं, लेकिन अभी तक हाल चाल जानने के लिए नहीं, मतलब सुनने या दिखने तक नहीं सुनने के लिए, क्योंकि ये पिछड़ी इलाका है और ऊंची जाति जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ के लोगों को जो है छोटे जाति के तरह जो है समझते हैं। तो लोग फिर यहाँ से फिर कहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग पूरा जो बाढ़ से क्षेत्र से तबाह, ऊंचे ऊंचे जगह पे जा रहे हैं, जहाँ ऊंचा जगह नजर आएगा वहाँ जा करके जो रहेंगे। और पशुपालन को काफ़ी दिक्कत हो रही है, और बच्चा छोटा छोटा बच्चा बुजुर्ग डरे हुए हैं काफ़ी डर, और हम लोग उन लोगों को भरोसा देने के लिए भरी रात जागा रहते हैं, मतलब रात जग के जो तटबंधन पर रहते हैं जी, तटबंधन पर रहते हैं कि किस वक्त हो जाए। लेकिन पदाधिकारी को कई दफ़ा फ़ोन करके कल भी अवगत करवाए, अभी तक जांच करने के लिए नहीं आया है कि मिट्टी के रंग राविश डाल दे, फिलहाल जो है बचे, कोई भरोसा स्थल पे नहीं पहुंचा है। यहाँ और भी ग्रामीण उनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कहाँ लोग जा रहे थे, हम लोग को तो कोई देखने सुनने वाला है नहीं, कहीं भी कोई कागज पत्र कोई एप्लीकेशन कहीं भी देते हैं कि हम लोग का जो है कि रास्ता पेड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, रिंग बांध बहुत टूटा हुआ, बहुत जगह भराई, कुछ कर दीजिए, वो लोग कोई बात सुनता ही नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, भर भर रात के जाके यहाँ रोड को जो है कि रात भर देखते हैं सुनते हैं, और हम लोग यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं ऊंचा जगह। यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद हैं, तो वो लोग कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं विधायक साहब सुनने वाले हैं, नहीं एमपी साहब सुनने वाले हैं, कोई सुनने वाला हम लोग का है ही नहीं, तो हम लोग छोड़ के ऊंचा स्थल पर जाने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है ये समस्या हमको, जैसे ये रिंग बांध है, रिंग बांध का समस्या इसलिए है, हम लोग का परमान नदी पास में है, बाढ़ पानी आने का बहुत समस्या आता है। ये बांध जो कहीं पर गड्ढा हो गया है, पांच सात जगह पर पांच पांच फुट छह छह फुट गड्ढा हो गया है, और पानी का सलाब भी बह रहा है, ये कभी भी टूटने से बतना पंचायत और फारबिसगंज खड जितना भी है सब डूब सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, फिर उफान पे आएगा। हम लोग बहुत रात को जाग जाग के सबका सेवा करते हैं, गाँव समाज है, ठीक है, ये बतना पंचायत का 16 नंबर वार्ड में जितना है पब्लिक है सबका हम लोग समर्थन लेके चल रहे हैं। आज तक जितना भी कोई विधायक है, एमपी है, सरकार तक, नीतीश कुमार तक बात पहुंचा है, कोई अभी तक सुनवाई नहीं किया। बाढ़ क्षेत्र को अब तक देखने कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक जो है, ये पंचायत को देखने नहीं आया है अभी तक कोई, जिस संविधान से हम लोग जी रहे हैं, हम लोग का बाल बच्चा सब डर रहा है अभी, ठीक है। हम लोग समाज को लेके चल रहे हैं कि ये बाढ़ है, कब टूट जाएगा, बांध का स्थिति देखिए क्या है, कोई विधायक आज तक नहीं पूछने आया, वोट मांगने आता है, जो अमचा चमचा है उसको भेज देता है वोट, ये पंचायत से मांग के ले आओ, आज तक विधायक वोट मांगने भी नहीं आया कि विधायक को हम वोट देंगे, कौन विधायक है उसका चमचा आता है कि ये विधायक है इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो, वो जीत गया, ठीक है, आज तक दिखने नहीं आया। अभी आपका कौन कौन पंचायत यहाँ बाढ़ से प्रभावित है? हमारा बतना पंचायत 16 नंबर वार्ड जो है ना, यहाँ से दीपोल और बतना भवानीपुर, ये बाढ़ से पूरा पीड़ित है, यहाँ से फारबिसगंज प्रखंड भी ये टूटने के बाद डूब सकते है, वो भी जो है पानी के साथ, पानी का माहौल बहुत गड़बड़ है, ये परमान नदी है, नेपाल में जितना बारिश होता है सारा पानी का स्टॉक इसमें परमान में है, और ये रिंग बांध मेन हुआ आपका, यहाँ से जो है मेन रिंग बांध है। ये क्या नाम हुआ? एमडी जाबुल है। कौन सा जगह? ये हम अभी दीपोल में है, वार्ड नंबर 16 बतना पंचायत। आप युवा फिर कैसे देख रहे हैं?
बाढ़ पानी क्या देखेंगे, बाढ़ पानी से पूरा सब परेशान है। हम लोग रात में नहीं सोते हैं कि बाढ़ का पानी टूट जाए बानून तो हम लोग का क्या हाल होगा, बाल बच्चा का। और उसके बाद ना कोई MP ना विधायक कोई देखभाल करने नहीं आ रहा, ना कोई प्रशासन की तरफ से आ रहा कि रात उत में कई जगह पे टूटा, कई जगह में टूटा हुआ है कि इसमें कब टूट जाएगा कहना मुश्किल है। बना कब था ये बना, ये बांध, ये बांध तो बहुत पुराना है, रिंग बांध है, इसका कभी कोई मरम्मत नहीं, इसमें मरम्मत कभी नहीं हुआ। हम लोग को पैदा सोने था तब ये बांध बंधा हुआ है, लेकिन अब तक इसके बाद कोई मरम्मत नहीं हुआ, खाली रोड बन रहा है बस, हो रहा है। रोड भी टूटा फूटा है हर जगह, कहाँ टूट जाए क्या हो जाएगा कोई MP विधायक का कोई खबर ही नहीं है। पंचायत वार्ड नंबर 16 के हम लोग निवासी है। ये जो बगल में हम लोग नेपाल साइड बॉर्डर है, परमान नदी है, इसका जो है कि हर साल हम लोग का क्षतिपूर्ति करता है। और हर साल हम लोग घर बनाते हैं, बाढ़ आता है हम लोग का मतलब कि घर को उजाड़ देता है, वीरान कर देता है। हम लोग जो है कि बहुत परेशान में है। अब ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से ऊंची स्थान में जा रहे हैं, जहाँ हम लोग को ऊंची स्थान मिलेगा वहीं हम लोग निवासी करेंगे। कौन सा नदी का पानी भरा? परमान नदी, परमान नदी पटना पंचायत वार्ड नंबर 16 से। हर साल हम लोग घर बनाते हैं, घर टूट जाता है, हम लोग उसी स्थान पर अभी जा रहे हैं, उसी स्थान से सामान के साथ, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, परिवार बच्चे साथ। कोई देखने देखने नहीं आया? कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद फारूक। भस रहे जा रहे हैं, कहीं पर ऊंचा मिलेगा तो रहेंगे। कौन? हमेशा माल जाल बकरा बकरी भसने लगा, सब चीज छांक चुक कर रखे हैं ऊंचा में। चलिए देखिए, कोई गाँव वाला नहीं था देखल। आपने सुना यहाँ दीपोल के जो है, यहाँ पे जो लोग जो है यहाँ कैसे रात जग के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, और कैसे अपनी जो वार्ता को भी जो उन्होंने जो है न्यूज 24 पे रखा। अरुण कुमार अररिया, न्यूज 24।